left some space for us to breathe. My head. तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं हूँ अभी गांव में और निकल रहा हूँ अयोध्या के लिए, क्योंकि आज सुबह ही निकल रहा हूँ। बज रहे सुबह के 8:30, क्योंकि आज हमसे सीनियर आने वाले हैं, SM आने वाले हैं, तो फिलहाल आज काम कुछ ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए जल्दी निकलना है। तो सुबह सुबह निकल रहा हूँ। वैसे आज पूरे दिन भाई बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अकेले हों तो करिए, बैठिए, जो मन के वो करिए, लेकिन आपसे जो सीनियर होते हैं उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल वो लखनऊ जोन के SM हैं, तो वो आ रहे हैं फिलहाल आज मेरे साथ काम करने के लिए। तो फिर आज काम करना पड़ेगा भाई, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं अपने हेडक्वार्टर का मान के चलो कि मालिक हूँ पूरे फैजाबाद का, कंपनी का, तो तब भी मैं आराम से ही जा रहा हूँ। 8:30 सुबह ही, 7 बजे बुलाए थे, 8:30 जा रहा हूँ। मैंने बोला कि ठीक है, मैं आराम से आऊँगा, और अपनी रुआब भी कम नहीं है भाई की भी, तो इसलिए कंपनी में अपनी रुआब भी है कि नाम भी अपना है कंपनी में। अगर मैं बोलता हूँ जो कि जितना उनका टारगेट वर्ग टारगेट है, सब अचीवमेंट लगातार हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसलिए कंपनी की तरफ से मुझे छूट मिलता है कि आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आराम से करता हूँ। तो फिलहाल अभी मैं 8:30 बजे यहाँ से निकल रहा हूँ, सुबह 7 बजे बुलाया गया था, पहुँचूँगा 9 बजे तक, फिर काम स्टार्ट होगा और लमसम, लेकिन ये काम है लेट तक ख़त्म होगा, शाम के लमसम 7:30-8 बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे जल्दी ख़त्म होने का और घूमेंगे भी। तो फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं फिर। तो अभी मैं हूँ राजघाट पार्क में। वैसे फ़िलहाल इधर से जा रहा था तो रास्ते में ही ये पार्क पड़ता था, मैं वापस जा रहा था अयोध्या की तरफ, तो रास्ते में ही पचकोसी परिक्रमा मार्ग पे ये पार्क पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ टाइम यहाँ पार्क में बैठते हैं। ये पार्क पूरा योगी जी ने एक काम बहुत बढ़िया किया है कि पार्क बनवा के यहाँ आके रेस्ट भी कर सकते हैं, और ऋषभ देव की मूर्ति भी लगी हुई है। हाँ, वो सही अनुमान लगाया, भगवान ऋषभ देव ही हैं, भगवान ऋषभ देव लिखा भी है, प्रथम जैन इनकी मूर्ति है ऋषभ देव की। और बच्चों के लिए अंदर अब A to Z अयोध्या में जितने भी पार्क लग रहे हैं सबके अंदर ये बच्चों के खेलने के लिए जो है ये झूले वगैरह लगवाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं फिलहाल, ये गुलाब बाड़ी के तर्ज पे है पार्क, कपल्स भी आए हुए हैं, गुलाब बाड़ी के तर्ज पे भी है ये पार्क। हम सोचे तो अयोध्या के अंदर है, थोड़ा बेटर होगा, लेकिन फिलहाल सेम ही दिख रहा है। मैं चल रहा हूँ घूमते घूमते आखिरी छोर पे, क्योंकि सरयू नदी जस्ट बगल ही है, दिखाते हैं आपको वो। ये पूरा एरिया हमारे ख्याल से माझा बराठा में आता है। तो फिलहाल यहाँ इतनी गर्मी थी कि भाई पीपल का पेड़ है और जो छाया में बैठने में जो हवा लग रहा है ये AC फेल है इस टाइम, समझ लो। तभी मैं सोचा कि इस टाइम लोग आके यहाँ पे कैसे बैठे हैं। ये एक चीज़ यहाँ हमने देखो कि मीटिंग वगैरह भी आदमी कर लेता है बुला के, नगर पालिका वालों की मीटिंग भी चल रही है बगल में, कि एकदम स्पेस है काफ़ी ज़्यादा बेटर बना हुआ, तो मीटिंग वगैरह भी अगर कोई करना चाहे या समथिंग। अभी कुछ दिन पहले कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का जो सेरेमनी था कंप्लीट होने का उनका, लमसम 10 या 11 साल कंप्लीट हुआ, वो भी यहाँ पे रखा गया था, तो फ़ोटो मैंने देखा था। तो आज मैं आके देख रहा हूँ कि जगह काफ़ी ज़्यादा है कि आके आराम से अपना स्टाफ वगैरह ला के रख सकते हैं। और फिलहाल अभी तो टाइम है शाम होने में, और जैसे जैसे शाम होगा तैसे तैसे भीड़ बढ़ेगी। तो पहले तो फिलहाल यहाँ पे एक ही माली रहते थे, इस टाइम तो 4-5 हो गए हैं,
काम चल रहा, बढ़िया चल रहा। थोड़ा टाइम बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर चलेंगे। तो यहाँ भी अड़ी के तर्ज पे है चीज़ें। ये कोई पार्क ऐसा बचा नहीं है जो लखनऊ के कल्चर को ना अपना रहा हो धीरे धीरे, अयोध्या में भी तो फिलहाल। लेकिन अभी तो भाई थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा 10-15 मिनट, उसके बाद फिर निकलना है। ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकता, शाम का इंतज़ार कर नहीं सकता। Take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground running, closing off all the world with the light coming. फेमस दुकान पे जो लोग अयोध्या सब्जी मंडी आते होंगे वो जानते होंगे, समोसे और लौंग लता जो आता है बनता है उसकी फेमस दुकान है यही सामने, ये रसकुंज के सामने ही इधर आपका पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने समोसे ले लिया है और उसके बाद अभी जो यहाँ का फेमस है लौंग लता वो खाऊंगा, तो फिर बताऊँगा, वो दिखाऊँगा आपको। ये है लौंग लता जो इनके यहाँ का फेमस है, पूरा अंदर खोए भरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है इनके यहाँ का फेमस। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। 4 पैक कर देना, नहीं वो लौंग लता 4 पैक कर देना बढ़िया से। तो फिलहाल भाई ले चलेंगे घर पे भी, अच्छा लगा खाने पे। और अंदर पूरा खोए का भरा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। हैदराबाद की कोई भी चीज़ फेमस खाने वाली में हो भाई, हमसे छोटी नहीं है, चाहे सुहावल हो, शंकरगढ़ हो, गोसाईगंज हो, बीकापुर का टिक्की हो, या सुहावल की टिक्की हो, या रुदौली, खाने में छोटा नहीं। इसलिए फैमिली वाले हमारे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पेट जो निकला उसका रीज़न ही है जो तुम खाते रहते हो। फिलहाल ये क्या जा रहा है, भयानक चीज़ भाई गाड़ी, ये किस चीज़ का है? मुझे लगता है यार कहीं मिसाइल विसाइल तो नहीं जा रही है, कहीं मिसाइल जा रही है ये हमें लगता है अंतरिक्ष में भेजने वाला कोई यंत्र होगा। एक तो आगे गई, ये दूसरी जा रही है। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ अयोध्या से गांव वापस। तो शाम के टाइम निकलता हूँ थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि दिन भर बाहर रहता हूँ, गाड़ी की आवाज़ें ये सब दिमाग में घुसते रहते हैं। तो जब भी घर आता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि चलो थोड़ा सा घूम आऊँ नहर वगैरह पे। तो कभी कभी सास में कोई रहता है नहीं, कभी कभी अकेले निकल जाते हैं तो घूमने जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहीं पास में मंदिर का एरिया, वहाँ पे बैठते हैं, नहीं तो फिर जो डैम है वहाँ पे चले जाते हैं, बैठते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम रिलैक्स फील होता है। तो आज निकला था लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी जिसी टाइप की बारिश पड़ रही है। तो अभी निकला था, 10 मिनट हुआ होगा, फिर मैं वापस जा रहा हूँ घर पे। नहीं पता चले बारिश तेज स्टार्ट हो जाए, उतनी दूर से भाग के आने भाई भीग जाऊँगा, तो इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और वैसे मौसम भी ज़बरदस्त हो रखा है। और बादल की गरजने की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं। फिलहाल जल्दी जल्दी घर पे चलते हैं। तो अभी रात के बज रहे हैं 10, वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो वीडियो अपलोडिंग पे लगा के फिर सोने जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। चॉकलेट में बलम तने खूब पटाई मैं, एक चॉकलेट।